यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ आदिवासी संगठनों में उबाल है। राजभवन ठीक हमारे पहले पीछे है और वहीं बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। यूसीसी में जो प्रावधान है उसके खिलाफ आदिवासी संगठन जो है, अलग अलग संगठन, वो यहाँ पे एजिटेशन कर रहे हैं। और क्या इनका मानना है और किन किन पॉइंट्स पे इनका विरोध है, इनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं। देव कुमार धान हमारे साथ, देवेंद्र चंपिया जी हैं, वेटरन ये लोग पॉलिटिशियन भी रहे हैं और यहाँ के निटिग्रिटी न्यूएंसेस को बेहतर तरीके से समझते हैं और ट्राइबल्स के लिए आंदोलन भी करते रहे हैं। क्या इसमें, क्या आप लोगों किन किन बिंदुओं पर विरोध है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? देखिए, हमारा पहला है कि जो हमारा प्रथागत कानून है, कस्टमरी लॉ है, ये हमारा खत्म हो जाएगा, जो संविधान से हमको अधिकार प्राप्त है। दूसरा कि हमारा जो जमीन का सुरक्षा करने के लिए जो CNT एक्ट है, तो उसमें जो सब लोगों को संपत्ति का समान अधिकार आएगा, तो हमारा जो CNT एक सीधा सीधी जो है प्रभावित होगा, हमारा फिफ्थ शेड्यूल प्रभावित होगा, हमारा पेशा कानून प्रभावित होगा, हमारा जो है विल्किंसन रूल प्रभावित होगा, ये तमाम चीज प्रभावित होगा। और शादी ब्याह वगैरह भी प्रभावित होगा, एकदम निश्चित रूप से हमारा विवाह का जो आपका लो है, हमारा तलाक का है और बहुत सारी जो चीजें हैं उस पर जबरदस्ती जो है हिंदू कानून थोपने का प्रयास किया जा रहा है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत देश से आदिवासी को समाप्त करने का ये जो है एक प्रक्रिया चल रही है। इसलिए हम लोग ये तय कर रहे हैं कि करीब करीब 47 विधानसभा में हमारा लोकसभा आरक्षित है, उसमें तो हम लोग जवाब देंगे ही, लेकिन करीब 60 करीब जो लोकसभा क्षेत्र हैं, जैसे रांची, आपको चतरा, आपको जहाँ ट्राइबल है, हम लोग निश्चित रूप से उनको हम लोग जो है जवाब देने का हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं कि उनको 2024 में जो हम लोग, चूंकि हमारा ये कहना है कि जो मनुष्य के लिए जैसे शिक्षा, तो उस शिक्षा समान शिक्षा क्यों नहीं लाते हैं, आर्थिक समान आर्थिक व्यवस्था क्यों नहीं लाते हैं, आपको स्वास्थ्य समान क्यों नहीं लाते हैं, ये क्यों जरूरत है? तो मनुष्य के लिए ये आप पहले ही करिए। आप क्यों, आपको वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, सब वंदे भारत चलाइए। तो इस तरह का ये जो है हम लोग को जबरदस्ती जो है शिक्षा में यूनिफॉर्मिटी हो, हेल्थ में यूनिफॉर्म, हाँ, आर्थिक विकास में हो। अच्छा चंपिया जी, ये बताइए कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी से भी आप लोगों ने सपोर्ट जो है मस्टर करने की कोशिश की है, उनसे कॉन्टेक्ट किया कि आपको सपोर्ट करें? अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमने संपर्क नहीं किया है, इसलिए कि आज इतना जनप्रतिनिधि है हम लोग आदिवासी समाज के, जनप्रतिनिधि बनने के बाद समाज को भूल जाते हैं। अच्छा। वो पार्टी की गुलामी करते हैं, पार्टी की दास्ता करते हैं, और जो पूंजीपति हैं उन लोगों की दलाली करते हैं, समाज को लोग भूल जाते हैं। इसीलिए हम लोग ट्राइबल के नाम पे सिर्फ नेतागिरी हो रही है, ट्राइबल का जो हक का बात है उसको आप लोगों का मानना है कि कोई उठा नहीं रहा? जैसे मान लीजिए कि हर राजनीतिक दल में ट्राइबल्स जो है वो चुने गए हैं, वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं बाहर? हाँ, मेरा सवाल है पूरे राजनीतिक पार्टियों को कि नीति स्पष्ट करें, यूसीसी पर क्या कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो आने वाला, एक तरफ आदिवासी सिद्धांत की बात करती है, आदिवासी सुरक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ जो है हम लोगों का जो नियम कानून है, 6वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची समता जजमेंट को समाप्त करना चाहती है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो है हमारा पेशाब कर रहा है, जो अभी मामले आए हैं, क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में, तो आज जब यूसी लागू नहीं हो रहा है तब पूरे समाज को पेशाब कर रहे हो, तो आने वाला समय क्या होगा? हम आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दुर्गामी परिणाम पड़ेगा, इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। प्रदेश वाला मामला कितना गंभीर मामला है? ये बहुत गंभीर मामला है। हम चूंकि ये जो नियम के विरुद्ध में हम कहना चाहेंगे आदिवासी तमाम नेताओं से कि जाति पाति से उठ के, माटी से उठ के, पार्टी से उठ के ऐसी ऐसी अहम चीज में एकजुट होने का, और अगर आवश्यकता पड़ेगा तो जितने भी सांसद है सब सांसद को घेरने का काम हम लोग करेंगे। तो काफी उबाल, इनका साफ तौर से कहना है कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, जो ट्राइबल MLAs हैं या फिर जो ट्राइबल सांसद हैं उनको एकजुट होना चाहिए। उनको पता है कि यहाँ उनका
संस्कृति क्या है, उनका लॉ क्या है, कस्टमरी लॉ क्या है, ये तमाम चीजों से वो वाकिफ हैं, तो उन्हें भी मुखर होकर इसका विरोध करना चाहिए और आदिवासी संगठनों को सपोर्ट करना चाहिए, ये इनका एक्सपेक्टेशन है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।